नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सफर शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। भारत को बार बार आंख दिखा रहा नेपाल, अब मोतिहारी की जमीन पर किया दावा, बांध के काम को रुकवाया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए उर्जित पटेल। मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन भेजने वाले अधिकारी हुआ कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को दी बड़ी सलाह, चीनी सामान खरीद रोकने के लिए केंद्र सरकार इस पॉइंट पर करे विचार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान बिहार समेत 6 राज्यों के 116 जिलों में एक साथ शुरू हुई है। पीएम मोदी ने कहा है कि प्रवासी मजदूर अब शहरों को चमका रहे थे, अब गांवों को चमकाएंगे। सरकार उन श्रमिकों की मदद को आगे आई है। प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि खासकर बिहार सरकार का सबसे अधिक आभारी हूं, जिन्होंने सबसे अधिक समर्थन दिया। इसी वजह से आज खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने दिल्ली से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सीएम नीतीश की तो माननीय नीतीश बाबू कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जब लाखों प्रवासी मजदूर शहरों को छोड़कर अपने घर लौट आए हैं, अब ये लोग अपनी हुनर को गांव और अपने राज्य में दिखाएंगे। आप सवाल करेंगे कि प्रवासी श्रमिकों के लिए इस योजना की शुरुआत करने की कैसे सोचा। हमने प्रवासी मजदूरों से ही यह प्रेरणा ली है। मीडिया में यह खबर आई है कि यूपी के उन्नाव में क्वारंटीन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूरों ने जिस स्कूल में ठहरे थे उसकी सूरत बदल दी। वहीं से हमें आभास हुआ कि हुनरमंद लोग कहीं भी काम कर सकते हैं और अपनी हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों बहनों बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में है, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं। मेरे श्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार के खगड़िया जिले के तैलीहार में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कई काम होंगे। इसके तहत आंगनबाड़ी, कुआं, मंडी का निर्माण होगा। अब इस गांव के लोग अपने गांव का विकास करेंगे, साथ साथ बिहार का भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस अभियान के तहत 25 कार्य क्षेत्रों का चयन किया गया है। इस अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने के बाद अब नेपाल ने बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के कुछ हिस्सों में अपना दावा ठोका है। दरअसल नेपाल ने जिले के ढाका ब्लॉक में लाल बकैया नदी पर तटबंध का निर्माण के काम को रुकवा दिया है। नेपाल ने दावा किया है कि निर्माण का कुछ हिस्सा उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में है। नेपाल के अनुसार ये कथित विवादित स्थान मोतिहारी जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है।
हालांकि यह मुद्दा एक पखवारे पहले ही उठा था, लेकिन पूर्वी चंपारण के डीएम ने जब भारत के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की तब इसका खुलासा हुआ। बिहार के जल संसाधन विभाग ने बहुत पहले ही तटबंध का निर्माण किया था और मानसून से पहले हर साल की तरह इसकी किलेबंदी का काम शुरू किया था, लेकिन नेपाली अधिकारियों ने इस काज पर आपत्ति जताते हुए इस काम को उत्तरी छोर पर रोक दिया है। यह पहली बार है जब इस स्थान को नेपाल अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में होने का दावा कर रहा है। नेपाल से आपत्तियों के दावे पर पश्चिम चंपारण के डीएम श्री शरत कपिल अशोक ने कहा है कि उन्होंने जीएसआई को पत्र लिखा था कि जल्द से जल्द विवाद को सुलझाए और लाल बैंकी नदी पर तटबंध के आंतरिक किलेबंदी की सुविधा दे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नई जिम्मेदारी मिली है। दरअसल उर्जित पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। उर्जित पटेल से पहले इस पद पर विजय केलकर थे। केलकर ने 2014 में पद संभाला था। बहरहाल उर्जित पटेल 22 जून को NIPFP के चेयरमैन पद को संभालेंगे। इसकी जानकारी देते हुए NIPFP ने बयान में कहा है कि हमें इस बात की खुशी है कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 22 जून 2020 से 4 साल के लिए संस्थान के चेयरपर्सन के रूप में हमसे जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि NIPFP का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण में योगदान देना है। इस संस्था को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों से वार्षिक अनुदान सहायता मिलता है। खबर राजनीतिक गलियारे से है। मंत्री नीरज कुमार ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। मंत्री नीरज ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के राजकुमार तेजस्वी यादव जी, ग्राफिक्स देखिए, समझिए। मंत्री नीरज ने ट्वीट कर कहा है कि हम गांव में सड़क और पुल बनाते हैं और आप संपत्ति बनाते हैं। आपको पिता और माता के कार्यकाल में बिहार में मात्र 835 किलोमीटर सड़क बना, पुल नगण्य। 2005 के बाद PMGSY, MMGSY, GTSY अन्य योजनाओं द्वारा 95,388 किलोमीटर सड़क एवं 923 पुल बना। लद्दाख में LAC पर चीन के साथ हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस बीच बिहार में पीएम मोदी पर तेज प्रताप यादव ने हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा है, अरे काहे जिद करते हो भाई, इट्स 5.6 इंच नॉट 56 इंच। आपको बता दे पूरा विपक्ष पीएम मोदी के 56 इंच वाले बयान को लेकर निशाना साध रहा है। अब तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पीएम का सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 5.6 इंच का है। आपको बता दें इससे पहले पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया है कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा है कि न तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़
समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशासन की राजधानी में एक और हत्या हुई। इस बार अपराधियों ने एक किसान को निशाना बनाया है। रात में पहले घात लगाए अपराधियों ने एक युवक की चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। खबर के मुताबिक दीदारगंज थाने इलाके के मोहली में पवन नाम के शख्स की अपराधियों ने हत्या कर दी। पवन अपनी बाइक से मोहली जा रहा था। पवन पेशे से किसान है और मेहदीगंज का रहने वाला बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पवन के पेट और छाती में चाकू मारी है। पवन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। मौके पर फतुहा ASP भी पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी मोटिव में हत्या की गई है उस बात का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस फरार अपराधी की तलाश में जुट गई है। बोरा सब्जी रोपा हुआ है खेत में, खेती करने जाता था, वही देखने जाता था। रोज दिन जाते थे इस समय? रोज दिन जाता था। कितना चाकू उनको मारा गया? हमको नहीं देखे है, मारा गया तीन बार सुने हैं कि मारा गया। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने सचिवालय कर्मी से 2 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि जक्कनपुर के रामलखन महतो फ्लैट के निवासी भत्तन पोरा 2 लाख कैश सचिवालय स्थित बैंक से निकालकर अपने आवास जा रहे थे। इसी क्रम में बेखौफ अपराधी पल्सर मोटरसाइकिल पर 2 की संख्या में आए और हथियार का भय दिखाते हुए दिन दहाड़े 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना पाकर जक्कनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गया। पुलिस वारदात वाली जगह पर लगे CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। मौके पर मौजूद जक्कनपुर थाना अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने बताया कि 2 की संख्या में अपराधी थे। इन्हें लूटने की फिराक में पीछे पीछे काफ़ी देर से लगे थे। जैसे ही यहाँ उन्हें मौका मिला वह पैसे लूट कर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। तो चेक द्वारा बैंक से 2 लाख रुपया निकाला, वहाँ से एक आदमी लेकर आए, छोड़ दिया मोटरसाइकिल से हमको, यह जा देवी स्थान के गली, मैंने हमको पुराना जकनपुर मैंने गली से पतली गली से हम आ रहे थे, यही पतली गली में देवी स्थान के नजदीक में 2 लाख रुपया छे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाही लीची भेंट करने गए कृषि विभाग के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह ट्रेन से दिल्ली गए और बिहार भवन के एक कमरे में अकेले ही ठहरे थे। लौट कर आने के बाद वह बुखार की चपेट में आ गए। शाही लीची पारंपरिक रूप से हर साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को भेंट की जाती रही है। लीची के पैकेट वातानुकूलित वैन में दिल्ली भेजे गए। शाही लीची मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार की खास पहचान रखने वाली विशेष लीची है। आकार और आकर्षक प्रजाति की इस लीची का कोई जवाब नहीं। इस विशेष लीची की मांग VIP जोन के साथ विदेशों में भी बहुत है, लिहाजा पकने के साथ ही इसकी सप्लाई शुरू हो जाती है। बाजारों में कम मात्रा में इसकी उपलब्धता हो जाती है, ज़्यादातर यह विदेशों में ही निर्यात कर दी जाती है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Thank you.
लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार, अब नहीं है मुश्किल जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीनी संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और शामिल होने वाले सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन की इस हरकत पर पूरे देश में गुस्सा का माहौल है, सभी लोग इस संकट में एकजुट है और इसका बदला लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए सभी जवानों के प्रति श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीद होने वाले 20 जवानों में 5 जवान बिहार के थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी तरफ से शहीदों के सम्मान में हर संभव मदद कर रही है, पूरे देश में इस घटना से आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यह देश की एकता अखंडता का सवाल है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है, इसमें राजनीतिक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है, हमारा देश आगे बढ़े इसके लिए हम सब एकजुट है। नीलम यानी राजेंद्र नीलम किसानों का किस्मत बदल देगी। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में धान की एक नई प्रजाति विकसित की है जिसका नाम इन लोगों ने राजेंद्र नीलम रखा है। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका असर हिंदुस्तान और उसके राज्यों पर भी पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कम पानी वाले फसलों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी है। इस स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने धान की एक नई प्रजाति विकसित की है जो कम पानी में भी अच्छी उपज देगी। नई प्रजाति का नाम राजेंद्र नीलम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF न्यूज़। नमस्कार।